सपनों का, एक महल हो सपनों का। अरे ढीले दे, ढीले दे दे रे भैया। कहाँ जा रहे हो महाराज? कहीं नहीं। तो फिर सीढ़ियों पे क्या कर रहे थे? भाभी मैं जरा ऊपर जा रहा था। ऊपर टेरेस पे? काम खत्म हो गया? नहीं, बस मैं ऊपर देखने जा रहा था कि सबने पोहे खा लिए। हाँ, सबने खा लिए। तो एक काम करता हूँ, मैं अभी ऊपर जाकर सब खाली प्लेट और बर्तन लेकर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ रसोई में जाओ। अभी अभी ले आता हूँ ना, रसोई का काम तो चलता ही रहेगा। तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें ऊपर जाकर देखना है कि कौन क्या कर रहा है? और इतना ही शौक है पतंग उड़ाने का तो जल्दी जल्दी काम कर लो और फिर ऊपर आ जाओ, कौन मना करता है? भाभी आप मुझसे इस तरह क्यों बात करती हैं? क्यों ना करो, तुमने भी तो झूठ कहा ना। हाँ वो भाभी क्या है ना कि दरअसल मेरा सारा ध्यान टेरेस पर ही है। तुम्हारा ध्यान कभी काम में होता ही नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है, बात यह है भाभी के हर साल बहस होती है कि किसका पतंग जीतेगा, किसका पतंग सबसे ऊपर उठेगा, तो मुझे देखना है भाभी जान। हाँ तो पहले जल्दी काम कर लो, और वैसे भी खाना बनाने में वक्त कितना लगता है, जाओ। भाभी एक नजर डाल दो सिर्फ ऊपर टेरेस पर, एक नजर डालकर आ जाओ। पहले कहा ना अपना पूरा काम खत्म कर लो, और वैसे भी बड़ी बड़ी डींगे मारते रहते हो ना, आज देखती हूँ कितना जल्दी अपना काम खत्म करते हो। अब खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो, जाओ यहाँ से जाओ। अरे राजू ऊंची पतंग उड़ाने का कोई मतलब नहीं, मजा तो तब है जब तुम किसी के साथ पेश लगाकर उसकी पतंग काटो। अरे मामा जी पेश तो बहुत काट चुका हूँ मैं, मगर अभी क्या है मैंने बंद कर दिया, मेरी उंगलियाँ बहुत कट चुकी है ना, वरना फिर हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, इसलिए पेश काटने बंद कर दिया मैंने। अरे बहाने मत बनाओ राजू। और जहाँ तक पतंग की ऊंचाई का सवाल है, देखो तुम्हारी पतंग से मेरी पतंग कितनी ऊंची उड़ रही है। बिल्कुल राजू, वो पीली वाली, पीली वाली, पीली वाली। वाह पतंग चढ़ाने का मजा आ रहा है। अब मुझे क्या पता, मैं तो कब से फिरकी पकड़ कर आपके पीछे खड़ी हूँ, ये अच्छा है मेरे हाथ में फिरकी दे दी और खुद मजे से पतंग उड़ा रहे। अच्छा बाबा नाराज मत हो, लो तुम उड़ाओ। मेरी जेरिया लीजिए, पकड़िए जल्दी जल्दी जल्दी। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी पतंग उड़ाती हो। भाभी रुकना, देख देख देख, छोड़ दे छोड़, जाने दे जाने दे। संभल के संभल के, माँ जी की डोर अच्छी तरीके से पकड़ना, कहीं कोई पेश लड़ाकर पतंग काट न जाए। अरे ऐसा कभी हो सकता है, इतने सालों से आपकी और पूरे घर की डोर पकड़ कर बैठी हूँ, कभी ढीर छोड़ी है जो हाथ छोड़ूंगी। उसके साथ पेश लड़ाओ, उसके साथ। अरे जोर से खींचो ना। खींच तो रही हूँ, बोलिए बंदा बीच में। यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो, चलाओ पतंग उड़ाओ। मैं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। अरे संक्रांति के दिन तुम पतंग नहीं उड़ाओगी तो कैसे चलेगा, चलो लो उड़ाओ। लेकिन मैं कैसे उड़ा सकती हूँ, मुझे पतंग चगाना नहीं आता। अरे इसमें मुश्किल क्या काम है, देखो तुम्हारी माँ को देखो, हाँ पतंग की डोर पकड़ कर ऐसे खड़ी है जैसे इतनी ऊपर पतंग उसी ने उड़ाई हो। लो 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 लो, हाँ हाँ बहुत मजा आ रहा है, खींचो। बाबूजी सॉरी सॉरी, पिच पिच कट गई। कोई बात नहीं बेटे। नहीं मैंने डोर पकड़ी और पिच कट गई, मुझे माफ कर दीजिए। इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है बेटे, ये तो खेल है। राजू ने हमारी पेच काटी है ना, अब देखना हम राजू की पेच काटेंगे। पतंग ले आओ दूसरा, ले आओ, ले आओ, हाँ, ले आओ, ले आओ।
भरे दिन बीतरे भैया, अब दुख आयो रे। संभाल के रखना। ए भाती को यहाँ क्यों लायो रे? सच बात है। अरे तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? टेरेस पर नहीं है क्या? नहीं, अभी पूरियां तलनी बाकी है ना। बाद में तलना हमारा, चलो भी। नहीं भाभी, हम सब हमारा काम खत्म करके ही आएंगे। गंगा, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा ना, तब तक सब लोग पतंग उड़ा के नीचे आ जाएंगे। तो हमारा नसीब और क्या, लेकिन जब तक किचन का काम खत्म नहीं होगा ना, हम ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि नहीं तो भाभी भाभी हमें डांट देगी ना। डांट देगी मतलब? भाभी, अभी अभी जमुना जब किसी काम से ऊपर जा रहा था तो भारती भाभी ने उसे डांट दिया और कहा जब तक सारा काम ना हो जाए तब तक ऊपर मत आना। अरे ऐसा होता है क्या? तुम लोगों का मन नहीं करता पतंग उड़ाने का? करता है ना, मेरे को तो बचपन से शौक है पतंग उड़ाने का। और मुझे भी बहुत मन था कि ऊपर आके देखूं कि किसकी पतंग सबसे ऊपर उठती है, मगर अरे अपन का तो इतना मन कर रहा है ना ऊपर आने का, अपन ने तो पतंग के ख्याल में पूरी भी पतंग जैसी बनाई है। रानी, इतना ही मन कर रहा है ना तो चलो ना ऊपर। नहीं भाभी, पूरियां बाकी है ना। बाद में तलना महाराज। और फिर वो फूलन देवी टपकी तो? रानी ऐसा नहीं कहते। अरे अभी अभी उसने महाराज से कहा ना कि काम खत्म करके ऊपर आना, और अगर ऐसे में ऊपर अपन ऊपर जाएगा और उसने अगर अपन को कुछ बोल दिया तो अपना दिमाग तो सटक जाएगा। रानी कोई कुछ नहीं कहेगा बस। नहीं भाभी, अगर किसी ने हमें कुछ कह दिया तो बहुत बुरा लग जाएगा। मैं कह रही हूँ ना, कोई कुछ नहीं कहेगा, और अगर किसी ने कुछ कहा ना तो मैं संभालूंगी। ठीक है, चलो अब रख दो ये सब और भागो, जल्दी ऊपर भागो। चल चल अभी भाग जल्दी। हाँ गैस बंद कर देना। चलो भी। भगवान न जाने कौन से गुनाह की सजा दे रहा है मुझे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। सनत, एक बात तो माननी पड़ेगी, पन्ना तुमसे अच्छी पतंग उड़ाती है। वो तो मैंने जानबूझ के कटवाए। घर में रहना है इसलिए जानबूझ के कटवानी पड़ती है ना। अरे भाई, खाना वाना मिलेगा कि नहीं? भूख लगी है। नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि खाना नहीं बना है। क्यों नहीं बना भाई? महाराज बंदोबस्त? सब भाभियों ने रात का खाना बनाने को मना किया था ना। अरे लेकिन खाना क्यों नहीं बनाया? क्या बाहर से मंगवाया है क्या? नहीं बाबूजी, मेरी ये इच्छा है कि आज हम सब मिलकर खाना बनाएंगे। हाँ तो आप सब मिलकर बनाइए, मना किसने किया है? हाँ। सब में आप सब भी आ जाते हैं। हम लोग खाना बनाएंगे। जाओ जाओ किचन में जाओ और खाना बनाओ। जाओ 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 क्या, खाना तो आप ही बनाएंगे। क्यों भारती भाभी? हमें तो खाना बनाना आता ही नहीं। आहा, झूठ मत बोलिए। बीच में जब माँ जी और भाभी ऑफिस जाया करती थी तब कौन बनाता था खाना? तुम्हें किसने बताया? पन्ना? क्या पन्ना क्या? चलिए चलिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप जितना ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे खाना उतना ही लेट मिलेगा। अरे हम लोगों ने हाँ कहा नहीं और आप लोगों ने तय कर लिया कि हम लोग खाना बनाएंगे? खाना खाना है ना, तो चलो काम करो। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? अरे मगर पहले माँ से तो पूछो, हमारा बनाया हुआ खाना उनको चलेगा? आप अरे माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ की उम्र हो चुकी है, टेरेस पे थोड़ी दौड़धाम क्या कर ली, पैर दुखने लगे, आराम कर रही है। आप चलिए ना प्लीज, मुझे देखना है आप लोग कैसा खाना बनाते हैं। देखो हम लोग खाना बनाएंगे ना तो आप लोग खा नहीं पाओगे, बेहतर यही होगा कि हम सब्जी काटते हैं, पूरी बेलते हैं, तुम लोग खाना बनाओ। सैलेड मैं बनाऊंगा। ओके, सबसे आसान काम तुम ही करो। तुम रोटियां बेलोगे। चलो इसी बार देश विदेश के नक्शे तो देखने मिलेंगे हमें। अब तुम सब्जी काटना और पन्ना
रश्मि के लिए खिचड़ी बना देना। गंगा जरा देखो तो उसकी तबीयत कैसी है, अगर सो रही है तो सोने देना। हाँ जी। अरे लेकिन अपन क्या करेगा? तुम सबका सुपरविजन करेगा। देखना कोई काम चोरी ना करे। और मामा जी आप क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा, मेरे लिए कोई काम बचा ही नहीं है। हाँ मैं भी सुपरवाइज करूंगा। नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना चलता, ये तो चीटिंग है ना, काम तो करना ही पड़ेगा भाई। अच्छा ठीक है मैं पूरियां तलूंगा बस। नहीं आप कुछ नहीं करेंगे। अरे माँ तुम क्यों आई, तुम्हारे पैर तो दर्द कर रहे थे ना। अरे पैर को छोड़ो, तुम्हारे बाबूजी किचन में नहीं जाएंगे। क्यों माँ जी? बस मैंने कहा ना नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। हाँ मगर क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ जी नहीं चाहती कि इस घर में थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाए। सोनल कैसी है? She's under observation. कोई खतरे की बात तो नहीं है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सच, it's a miracle. इतनी ऊपर से गिरी फिर भी ऐसी कोई चोट नहीं आई, नीचे गिली मिट्टी थी इसीलिए, बस सर पे थोड़ी सी चोट आई है। अंदर से कोई चोट आई हो तो? Don't you worry, हमने स्कैनिंग करके देख लिया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं उसे मिल सकता हूँ? नहीं उसे अभी होश नहीं आया। तो कब तक होश आ जाएगा? कुछ घंटों में होश आ जाएगा। डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, जस्ट रिलैक्स ओके। माँ कहाँ, फिर से रूम में चली गई? नहीं मामा जी के पैर दर्द कर रहे थे तो फिर मैंने जबरदस्ती उनको भेज दिया। अरे खाना तो तैयार है, ये लोग किचन में क्या कर रहे हैं? अरे खाना जल्दी लाओ ना, भूख लगी है। हम लोग आप लोगों को इस तरह से खाना नहीं खाने देंगे। क्यों अब क्या हुआ? बाबूजी आपके बेटे बड़े कामचोर हैं, किसी ने कुछ काम नहीं किया। अरे भाभी इतना तो काम किया हम लोगों ने। अच्छा तुमने सिर्फ 5 ककड़ी काटी और वो भी बिना छिले हुए? मैंने पूरियां तो बेली, देखो हाथ घर का। हाँ एक अमेरिका का नक्शा बनाया, दूसरा अफ्रीका। अमेरिका नक्शा मुझे देना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। टीवी देखने बैठ गए? नहीं नहीं लेकिन मैं। हाँ आप तो बोलिए ही मत, बाबूजी सिर्फ एक लौकी छिले उसे भी 20 मिनट लगाए। देखा बाबूजी इनको हमारे काम के खिलाफ शिकायत है, इसका मतलब ये कि हमने काम किया है। यस। और भाभी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप रामी से पूछ लीजिए ना, वो तो सुपरवाइजर थी ना, वो तो इनकार नहीं करेगी, है ना रामी? हाँ ये लोग ने काम तो किया है। देखा अच्छा वो रामी को सुपरवाइजर बना है, रामी को पता ही नहीं चल रहा था कि मैं सब्जी काट रहा था या टाइम पास कर रहा था। क्या हुआ सनत? कुछ नहीं। तो बोलो बहू अब क्या करना है? बाबूजी इनको इनकी काम चोरी की सजा मिलनी चाहिए। क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या मामा जी आपने भी पार्टी बदल ली? आज खाना पहले हम खाए और ये लोग अपने हाथों से हमें खिलाएंगे। हाँ लेकिन कोई अपनी वाइफ को नहीं खिलाएगा, भाई बहन को देवर भाभी को ऐसे खाना खिलाएंगे, समझे? ठीक है तो मैं पन्ना भाभी को खिलाऊंगा इफ यू डोंट माइंड। और मैं मीनू को खिलाऊंगा और मैं पल्लवी को खिलाऊंगा। मगर भाभी इसमें थोड़ी तब्दीली करते हैं, अभय भारती को खिलाएगा और पल्लवी को मैं या सनत भैया खिला देंगे। ओके चलेगा चलेगा, तो चलो सब लोग खाना शुरू करो। खाना नहीं खिलाना शुरू करो। हाँ बाबा खिलाना शुरू करो। लेकिन भाभी मुझे कौन खिलाएगा? तुम्हें मैं खिलाऊंगा बेटी। ओके चलो भाई जल्दी खाना परोसो, अभी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कम ऑन जल्दी, एक मिनट अबे भारती शुरुआत करेगी। भारती कम ऑन। ठीक है मैं ही शुरुआत करता हूँ बस। Thank you.
सुनल बेटा आंखें खोलो, मैं हूँ। पापा। हाँ बेटे, कैसा लग रहा है अब? मेरा सर बहुत दुख रहा है पापा। ठीक हो जाएगा बेटे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अभय, अभय कहाँ है? पापा, आपने फोन किया? वो आ रहा है ना? वो अभी तक आया क्यों नहीं? किसका इंतजार हो रहा है इतनी बेसब्री से? अभय का। पापा, क्या कहा अभय ने? नहीं, वो मिला ही नहीं, शायद बाहर गया होगा। क्या बात है पापा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं बेटा, परेशान मत हो, सब ठीक ठाक है। तो फिर वो अभी तक आया क्यों नहीं? मैंने कहा ना, रात हो गई है, शायद कहीं बाहर गया होगा। पापा, हम लोग हनीमून के लिए जा रहे थे ना? हाँ। फिर क्या हुआ? मुझे मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है। अरे बेटा, आराम करो तुम। हाँ, अभी ये सब कुछ जान देना चाहती हो तुम? हाँ पापा, क्योंकि मुझे बहुत ऑड लग रहा है। यहाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरे घर का कोई आदमी नहीं है। सारा जिम्मा आप पर डाल के वो लोग वहाँ आराम कर रहे हैं। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं बोलते। नहीं, क्यों नहीं बोलूं पापा, मैं जरूर बोलूंगी। और बाबूजी आएंगे तो उनको भी बोलूंगी। हाँ, जब भी आएंगे तो कह देना, पर अभी आराम करो। चलो प्लीज। पापा, आपको पन्ना भाभी को बोलना चाहिए था, वो यहाँ रात को रुक जाती, आप क्यों रुके? अरे मेरी बच्ची, क्यों परेशान होते हो तुम? हाँ, मैं हूं ना तुम्हारे पास। हाँ? हमारा एक्सीडेंट हुआ था क्या? मामा कहाँ है? वो तो वो क्या है, वो माँ, तुम वो अब कितनी देर हो गई है? हाँ, तुम आराम करो, आराम करो, तुम बस सो जाओ, सोते नहीं हो फिर। ठीक है पापा, ठीक है, प्लीज चिल्लाइए मत, मैं आराम करती हूँ। लेकिन एक बार फिर अभय के लिए ट्राई कीजिए ना, शायद वो आ गया होगा। ठीक है। क्या हुआ भाभी, क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं भाभी? अभय, सोनल का फिर से एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ, इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। और भाभी, उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? प्लीज भाभी बताइए ना, प्लीज। इस वक्त बताइए ना भाभी, प्लीज। तुम्हें याद करी है अभय। मैं अभी हॉस्पिटल जाता हूँ। कुछ पाकर खोए हैं, नए मौसम
के रंग में हम फिर से आएंगे, एक महल नया हम तो मिलकर बनाएंगे। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का।